कोरोना वायरस के बाद अमेरिका चीन के कोल्ड वॉर में एक नया चैप्टर और जुड़ गया है, हांगकांग में चीन के नए सुरक्षा कानून का मामला। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि हांगकांग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए चीन ने कई कदम उठाए हैं और सुरक्षा कानून इस कड़ी का सबसे ताजा उदाहरण है। ये स्पष्ट है कि चीन हांगकांग की स्वायत्तता को खत्म करने में लगा है। पिछले साल हांगकांग में प्रत्यर्पण बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और अमेरिका हांगकांग के समर्थन में था। दोनों देशों के बीच 2018 में ट्रेड वॉर शुरू हुआ और एक दूसरे के उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिए। आखिर में हुआ ये कि नए शुल्क ने अमेरिकी परिवार का सालाना खर्चा $800 बढ़ा दिया। एक अनुमान के मुताबिक इससे 3 लाख नौकरियां प्रभावित हुई। चीन के लोगों की आय पिछले 30 साल में सबसे धीमी गति से बढ़ी। आखिरकार ट्रेड डील हुई, दोनों देश एक दूसरे के लिए थोड़े नर्म पड़े। लेकिन दोनों देशों के इस कोल्ड वॉर के भविष्य में और तेज होने के ही आसार हैं, क्योंकि चीन सुपर पावर होने की होड़ में है और अमेरिका इस तमगे को इतनी आसानी से चीन के हाथ जाने नहीं देगा। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका को ही सुपर पावर माना जाता है। जानकार चीन को अब भी अमर्जिंग सुपर पावर ही कहते हैं। लेकिन सुपर पावर का ये तमगा है क्या, इसका पैमाना क्या है, इसकी कोई आधिकारिक परिभाषा तो नहीं है। पर जानकार कहते हैं कि कोई देश जिसके पास सबसे ज्यादा सैन्य ताकत हो और दुनिया में आर्थिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव हो। सैन्य ताकत की बात करें तो आज की तारीख में सिर्फ अमेरिका ही मिलिट्री सुपर पावर है। अमेरिका के पास इतनी ताकत है जो अपने भूभाग से दूर भी जमीन, समुद्र, हवा में बड़े स्तर पर युद्ध लड़ सकता है और जो किसी देश के बस की बात नहीं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका का सैन्य ताकत पर सालाना खर्च $649 बिलियन है, पिछले साल से 4.6% ज्यादा। वहीं दूसरी सुपर पावर चीन है, जिसका सैन्य ताकत पर खर्च $250 बिलियन का है, पिछले साल से 5% ज्यादा। 24 साल से चीन अपना खर्चा बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिका के परमाणु हथियारों का जखीरा चीन से ज्यादा है। अमेरिका तकनीक के मामले में भी चीन से आगे है, जिसमें इंटेलिजेंस, बैलिस्टिक मिसाइलें और वॉर प्लेन्स आते हैं। अमेरिका का नेटवर्क मजबूत है, अलायंस के जरिए एशिया में भी और नाटो के जरिए यूरोप में भी। चीन के पास ऐसा अलायंस नेटवर्क नहीं है। लेकिन चीन का वन बेल्ट वन रोड का $124 बिलियन का प्रोजेक्ट, जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप में व्यापार और निवेश की मंशा से शुरू किया गया, उसने अमेरिका को नींद से जगाया। चीन ने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए, जिससे अमेरिका को खतरा महसूस हुआ। उस इलाके से हर साल $5.3 ट्रिलियन का व्यापार होता है। बेसिकली चीन ने अमेरिका से आगे बढ़ने के लिए व्यापार, अर्थव्यवस्था के रास्ते को चुना है। कम से कम 65 देश और टेरिटरीज हैं जिनका सबसे बड़ा सप्लायर चीन है। चीन भी ट्रंप सरकार के अमेरिका को शक के निगाह से देखता है। चीन ने खुद को मजबूत करने और अपने विकास में कई साल लगाए हैं। चीन भी ये बात महसूस करता है कि अगर कोई चीन के एम्बिशंस को रोक सकता है तो वो है अमेरिका। चीन के नेता विदेशियों को कहते हैं कि वे मुफ्त व्यापार, खुले बाजार और ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करते हैं, लेकिन चीन के अंदर कुछ और देखने को मिलता है। चीन का एजेंडा अपनी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दबंग बनाने का है और ऐसा दिन लाने का है कि उन्हें किसी तकनीक के लिए अमेरिका पर निर्भर ना होना पड़े। अमेरिका और चीन के बीच विवाद ट्रंप सरकार आने के बाद से ही शुरू नहीं हुआ, ये खाई धीरे धीरे गहराती गई। 2001 में जब चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, उसके बाद से अमेरिका को जिन आर्थिक फायदों की उम्मीद थी वो उसे नहीं मिले। चीन ने अपनी कंपनियां अमेरिका में खोली, लेकिन चीनी कंपनियों पर जासूसी और कंप्यूटर हैकिंग के आरोप लगते रहे। अमेरिकी सरकार का अनुमान है कि चीन ने 4 साल में $1.2 ट्रिलियन की बौद्धिक संपदा चोरी की है। ट्रंप से पहले ओबामा भी कमिटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मजबूत कर रहे थे, जिसने चीनी निवेश को लेकर काफी सख्त स्टैंड लिया। इन दोनों देशों में होड़ तो है, लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर कई मामलों में आज भी निर्भर हैं। तकनीक में ही देख लीजिए, अमेरिका के ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चीन में असेंबल होते हैं। चीन की टेक फर्म्स विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर है। 10-15 साल का वक्त लगेगा चीन को कंप्यूटर चिप्स के लिए आत्मनिर्भर बनने में और अमरीका को सप्लायर्स शिफ्ट करने में। चीन के कम से कम 3,70,000 छात्र अमरीका की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और चीन को अपना टैलेंट इन्हीं से मिलता है। लेकिन भविष्य में ये तकरार बढ़ेगी ही, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चीन उससे बड़ा बने। चीन सोचता है कि ये सदी एशिया की है और मुख्य भूमिका वो निभाएगा।